चंडीगढ़ पुलिस ने दो बहनों के मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। चंडीगढ़ एसएसपी नीलामरी जगदले ने कहा कि कुलदीप को दिल्ली से पकड़ा गया है और उसने मान लिया है कि उसने ही दोनों बहनों का मर्डर किया है। कुलदीप और मनप्रीत कौर के बीच में काफी सालों से रिलेशनशिप थी, लेकिन कुछ समय से आपस में बातचीत बंद थी। कुलदीप को शक था कि मनप्रीत का रिलेशन किसी और के साथ था। सुबह 4 से 5 के बीच उसने मर्डर किया। मनप्रीत के मोबाइल को चेक करने लड़कियों के घर गया था। मनप्रीत किसके साथ है वह बातचीत करती है। हत्या में इस्तेमाल हथियार को अभी तक बरामद ही नहीं किया गया है। कल मर्डर हुआ था, कल सेक्टर 22 में, तो काफी लोगों के आज एसएमएस भी आ रहे थे मीडिया फ्रेंड्स के कि क्या हुआ, अरेस्ट हुआ है नहीं, कंफर्म करो। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देती हूँ, बता देती हूँ सबको। अच्छा, इसमें जिसपे जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था कुलदीप, उसी को वो कंफर्म हुआ है। उसको अप्रिहेंड किया गया था आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से, तो उससे बातचीत की है, उसने कंफर्म किया, कन्फेस किया है उसने। और काफ़ी कुछ हम बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है। मैं मोटिव थोड़ा सा क्लियर करना था वो कर देती हूँ। तो इसने कुलदीप और जो डिसीज्ड लड़की है मनप्रीत कौर, ये पिछले 9-10 साल से इनके अच्छे संबंध थे, दोस्ती थी और शादी तक भी इनकी बात पहुंच गई थी, लेकिन किसी वजह से पिछले 6-7 महीनों से इनकी जो आपस में जो रिलेशनशिप थी वो सोर हो गई थी, ब्रेकअप जैसे हो गया था। और जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे। जो भी मैं अभी बता रही हूँ, थोड़ा 1-2 घंटे ही इससे बातचीत जो हो पाई है उसके बेसिस पे बता रही हूँ, बाकी इसका रिमांड लेके क्लियर करेंगे। बट पिछले 6-7 महीने से वो जो डिसीज़ लड़की है वो इसको कुलदीप अक्यूज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ठीक से, जिसकी वजह से कुलदीप बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। और कुलदीप को शक था कि मनप्रीत जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप करके शादी के बारे में सीरियस हो रही है, तो उसको 3-4 लड़कों के ऊपर शक था, कंफर्म उसको किसी का भी नहीं था। तो इसलिए उसने अपने शक को कंफर्म करने के लिए, जो ये कल मर्डर हुआ है तो 15-14 और 15 की इंटरवीनिंग नाइट को सुबह 4 बजे के करीब इनके घर में एंट्री की है, फोर्स्ड एंट्री की है, छत से नीचे उतरा है और पीछे वाला जो दरवाज़ा है वहाँ पे उस थोड़ी ओपनिंग थी, चूँकि इसका बहुत इनके घर में आना जाना था, उसको ये सब बातें पता थी, उससे उसने हाथ डाल के कुंडी खोली है, घर में एंट्री की है। दोनों बहनें तब सो रही थी और उसका बेसिकली मोटिव ये था कि मनप्रीत के मोबाइल को चेक कर लिया जाए, कि एग्जैक्टली अपने शक को कन्फर्म करना था कि किसके साथ सीरियस हो रही है वो रिलेशनशिप में। तो उसने मनप्रीत का फ़ोन जो है वो खोलना चाहा, अनलॉक करना चाहा, लेकिन चूंकि मनप्रीत की मेहंदी लगी हुई थी, शायद आप लोगों ने भी फोटोग्राफ्स देखी होंगी, दोनों बहनों की मेहंदी लगी हुई थी राखी की वजह से, तो उस वजह से फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया। कोड उसको पता नहीं था क्योंकि 6-7 महीने से इनका ब्रेकअप हो गया था, तो जब नहीं हो पाया, वो कई बार ट्राई किया उसने, 4-5 बार, उतने में दूसरी सिस्टर जो है वो उठ गई वॉशरूम जाने के लिए, तो ये छुप गया। जब वॉशरूम चली गई तो उसके बाद दोबारा ट्राई किया, उतने में उसकी नींद खुल गई तो आपस में इनका काफ़ी बोल बुलारा हुआ। उसके बाद अक्यूज़ ने डिसीज्ड लड़की मनप्रीत कौर का गला दबाया, उसका सर पटका है, और किचन में क्योंकि इसका घर में आना जाना था, इसको पता था कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो कैची टाइप चीज़ थी उसको उठा के इसने उससे भी मारा है, और फिर वहीं पे एक चुन्नी पड़ी हुई थी उससे गला भी घोटा है और सर भी इसका पटका है। मीनवाइल जो दूसरी डिसीज़ लड़की है सिस्टर राजवंत, वो भी आ गई थी, तो उसने भी इनको देखा, उस वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ है अक्यूज़ के बॉडी पे, खास तौर पे हैंड्स पे स्ट्रगल के मार्क्स भी है जो कि कंसिस्टेंट है,
क्राइम स्पॉट में जो स्ट्रगल हुआ है उसके संबंध में, तो वहाँ पे जो दूसरी डिसीज लड़की है उसके साथ भी स्ट्रगल हुआ, तो उसको भी जो अक्यूज्ड है उसने इस कैची से घोपा है, उसका भी गला दबाया है और चुन्नी से दुपट्टे से स्ट्रैंगुलेट भी किया है। और जो अलमारी है और नीचे ज़मीन पे आपने देखा होगा काफ़ी पूल ऑफ ब्लड था, ब्लड का काफ़ी पूल था, तो वो सर भी पटका है। और उसके बाद कुलदीप जो है दोनों ही उस मनप्रीत के दोनों ही मोबाइल उसने ले लिए और बाहर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा के की लेके ये वहाँ से निकल गया। वहाँ से ये झीरकपुर गया अपने घर में, अपने घर में इसने अपने सिस्टर से राखी बंधवाई, अपने कुछ कपड़े वगैरह उठाए और वो सब उठा के वो पहले अम्बाला गया, अम्बाला से उसने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद वो सोचता रहा कि क्या किया जाए, पैसे पूसे भी निकलवाए इसने एटीएम से मीनवाइल, तो जब इसको कुछ समझ नहीं लगी तो ये वहीं पे रुक गया। मीनवाइल उसने अपने किसी दोस्त को कॉन्टैक्ट किया, तो हम कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटर कर रहे थे, CDR भी हमने चेक कर रहे थे, तो उसमें हमें ये लीड मिली कि शायद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास हो सकता है। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर कुलदीप और सब इंस्पेक्टर सतनाम इन दोनों के नेतृत्व में ये एक टीम हमने वहाँ पे भेजी दिल्ली में, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पूरा छान मारा इन लोगों ने। करीब 2000 लोग उस टाइम रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे, तो उसमें से चूँकि हमने हमारे पास इसकी फ़ोटो आ गई थी तो ये आइडेंटिफाई हुआ, इसको वहाँ पे अप्रिहेंड कर लिया गया और लोकल पुलिस स्टेशन में इतला दे के उसको यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे जब लाया गया तो उसने ये सब कन्फेस किया है, और उसके पास से डिसीज लड़की के दो मोबाइल जो उन्होंने लॉक में लॉक लगाया था घर में उसकी चाबी, और जब इसने अक्यूज़ ने इस वारदात को अंजाम दिया तो जो कपड़े पहने थे उन कपड़े सारे ब्लड स्टेन क्लोथ, खून से लथपथ वो कपड़े, ये तीनों चीज़ें इससे बरामद हो चुकी है। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो अब हम इसका रिमांड लेंगे और उसके बाद जो है इससे पूछताछ करके बरामद करेंगे। वेपन ऑफ ऑफेंस के बारे में कि उसने कहाँ छुपा के रखा है इसके बारे में अभी तक उसने क्लियर नहीं किया है। तो ये दोनों लड़कियाँ जो है इनसे कुलदीप की सबसे पहले मुलाकात अराउंड ईयर 2010 में हुई थी, एक कॉम्पिटेंट सिनर्जीज लिमिटेड करके फॉर्म है जो पहले सेक्टर 34 में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट हो गई झीरकपुर मोहाली में। तो सबसे पहले इन दोनों वहीं पे काम करते थे, मनप्रीत और कुलदीप, वहाँ पे उनकी आपस में जान पहचान हुई थी और उनकी दोस्ती काफ़ी सीरियस हो गई थी। परंतु उसके बाद कुलदीप अभी भी वहीं पे काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद मनप्रीत कौर और राजवंत कौर ये दोनों सिस्टर्स यहाँ पे रह रही थी सेक्टर 22 में रेंट पे, तो इनका अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान था। कोई केमिकल मेडिसिन वगैरह में जो कलर्स यूज़ होते हैं उनको सप्लाई करने का काम स्टार्ट करने का इन लोगों का प्लानिंग था, और उसी के ऊपर ये दोनों बहनें अपनी काम कर रही थी। तो इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था कल, और इनके ब्रदर को भी इन्फॉर्म किया था। इनका ब्रदर यहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट जॉब में है, SDO लगे हुए हैं, तो बठिंडा में और मोहाली में उनका काम होता है, तो उनको बताया गया। और आज इनका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, चल रहा था जब ओके, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, सो आगे अब इसका रिमांड लेंगे। कोई नशा नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, जब उसने मोबाइल चेक करना चाहा लड़की ने रेजिस्ट किया, तो इसने बड़ी बेरहमी के साथ जो है मतलब एक तरीके से नहीं 3-4 अलग अलग तरीकों से उसको मारा है, गला भी हाथ से भी घोटा है, चुन्नी से भी स्ट्रैंगुलेट किया है, कैंची से भी घोपा है, और सरफेस पे जैसे है ऐसे मारते हैं वैसे भी मारा है। तो तभी वहाँ पे बैकग्राउंड भी है जो कुलदीप है, इसका कोई अभी तक सामने आया प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया। हिज फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम चंडीगढ़ पुलिस।
पोस्टमार्टम इज स्टिल गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन सिंस लास्ट वन आवर और सो, इट विल टेक टाइम. या बट व्हेन दे रिटायर देन 6 मंथ्स बिफोर वी गिव वन रैंक अप, ओआरपी रैंक अप. दैट्स क्लू केडी चीज तो मिला पर्सन के सीसीटीवी फुटेज या कुछ फोन नंबर. यस, जो ये एफआईआर हमने दर्ज की है वहाँ पे काफ़ी चीख चिल्ला रहे थे, बोल बुलारा काफ़ी हो रहा था आपस में. तो टेनेंट्स रहते हैं वहाँ पे काफ़ी, तो नीचे जो टेनेंट्स रहते हैं वहाँ पे एक मिडल एज लेडी है, थोड़ी ओल्ड एज भी कह सकते हैं, तो उसने भी जो है इस लड़के को भागते हुए जाते हुए देखा था. और चूंकि ये लड़के का हमेशा वहाँ पे आना जाना होता था तो वो लेडी ने इसको पहचान लिया था. एक तो वो क्लू मिल गया था, दूसरा आसपास में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये अपने पिट्ठू बैग लेकर भागता हुआ नज़र आ रहा है. तो ये दोनों क्लूज अपने पास थे. डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बता देंगे. आवाज़ें सुनाई दी थी तभी उस लेडी ने हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरीके की कोई आवाज़ें आई, लेकिन जनरली जैसे होता है कि आपस में कोई इंटरफेयर नहीं करता है एक दूसरे के काम में उस तरीके की. चंडीगढ़ मोहाली से अमित की रिपोर्ट.